हेलो बच्चों, मैं मुकेश आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। और बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 5वीं का पाठ 5 वचन। इसके कुछ प्रश्न मैं करा चुकी थी। अगला प्रश्न है, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, बालक ने पतंग खरीदी। बालक का बहुवचन होगा बालकों और पतंग का पतंगे, तो वाक्य बनेगा, बालकों ने पतंगे खरीदी। अगला वाक्य है, भारत की सेना आगे बढ़ गई। सेना का बहुवचन होगा सेनाएं, तो वाक्य बनेगा, भारत की सेनाएं आगे बढ़ गई। अगला वाक्य है, प्रेम ने कहानी लिखी। कहानी का बहुवचन होगा कहानियां, वाक्य बनेगा, प्रेम ने कहानियां लिखी। अगला वाक्य है, उसकी दवाई खत्म हो गई है। वाक्य बनेगा, उसकी दवाइयां खत्म हो गई हैं। अगला वाक्य है, रोहित के पास घोड़ा है। घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े, तो वाक्य बनेगा, रोहित के पास घोड़े हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, एक वचन बहुवचन रूप दे रखा है उनका, उनके हमें वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है बूढ़ा, वाक्य बनेगा, बूढ़ा आदमी सैर कर रहा है। इसके बाद बहुवचन रूप है बूढ़ा का, बूढ़े, वाक्य बनेगा, बूढ़े आदमी सैर कर रहे हैं। अगला शब्द है प्रथा, एकवचन शब्द है, वाक्य बनेगा, हमें दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। इसके बाद प्रथा का बहुवचन रूप है प्रथाएं, इसका वाक्य बनेगा, बुरी प्रथाएं समाज को खोखला बना देती है। अगला शब्द है रुपया, एक वचन शब्द है, वाक्य बनेगा, मोहन के पिताजी ने उसे 1 रुपया दिया। रुपया का बहुवचन है रुपये, इसका वाक्य बनेगा, राम ने 20 रुपये के आम खरीदे। अगला शब्द है सुविधा, एक वचन शब्द है, हमारे गांव में अस्पताल की सुविधा है। सुविधा का बहुवचन होगा सुविधाएं, और इससे वाक्य बनेगा, विद्यालय में छात्रों को अनेक सुविधाएं मिलती हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कराया है, आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखनी है और याद करने हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।